एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, दिस इज आवर सबस्ट्रेट। और यहाँ पे क्या इन्होंने दिया है, हेयर इज एम ई सी ओ टू एंड दिस इज कार्बन अटैच विद 3-मिथाइल ग्रुप, राइट। और नीचे यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, एक बेस दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ये बेस होगा ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा कहाँ से, इससे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर देखेंगे कहाँ से हमारा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं एमी को क्या लिख दे रहा हूँ, सी एच थ्री लिख दे रहा हूँ। सी ओ टू कुछ मैंने ऐसे लिखा, सी डबल बॉन्ड हो सी, और यहाँ पे मैंने कार्बन को ऐसे लिखा, और यहाँ पे क्या है, इससे 3 मिथाइल ग्रुप के हैं अटैच है, राइट, लाइक दिस। हमने यहाँ पे क्या किया, 3-मिथाइल ग्रुप को इससे अटैच कर दिया है, राइट। अब क्या होगा कि जो आपका ये बेस होगा, दिस इज़ बेस, ये करेगा एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगाए, इसलिए जो ये प्रोटोन होंगे क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर, दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो जो हमारा बेस होगा यहाँ से एक प्रोटोन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और प्रोटॉन यहाँ से किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, राइट। तो देखते हैं क्या बनेगा, जैसे यहाँ से एच पॉजिटिव बाहर निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सी एच टू नेगेटिव, राइट। दिस इज स्टेप फर्स्ट, ये हमारा कौन सा स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया है, एक एनायन बना लिया है, राइट, इट इज अ एनायन और इनोलेट भी इसको बोलते हैं, दिस इज इनोलेट। अब क्या करेगा, ये जो नेगेटिव एनायन है किसके ऊपर अटैक करेगा, हमारे सब्सट्रेट के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, राइट, कहाँ पे, कार्बन कार्बोनिल ग्रुप पे। तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस साइड, राइट, इट इज स्टेप टू। तो स्टेप टू में हमारा क्या हो रहा है, दिस इज स्टेप टू। तो जैसे ही अटैक करेगा तो अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ से कौन अटैच हो जाएगा, ये, क्योंकि सी एच टू ग्रुप अटैक कर रहा है कहाँ पे, इस कार्बन से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन, राइट। तो यहाँ पे क्या एक बॉन्ड बन जाएगा, लाइक दिस, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड हियर इज, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, राइट, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। तो हमारे पास कुछ ये बन के आ गया है, ये इज डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, रीअरेंज करके इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, हियर इज ओ नेगेटिव, हियर इज सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इस कार्बन से क्या है, 3-मिथाइल ग्रुप अटैच है, राइट। और मैं क्या करता हूँ, जो आपका ये नीचे ईस्टर लगा है इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूँ, लाइक दिस ओ ई टी, राइट। अब क्या होगा,
ई नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड। और हमें क्या मिलेगा, अभी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, उस ऑक्सीजन को नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो इस ऑक्सीजन के बीच में और ये जो कार ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, एंड इट इज़ ओ ई टी। बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, इस ऑक्सीजन के और इस कार्बन के बीच में, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड बना के दिखा दिया है। तो मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग आ गई है, राइट। अब क्या होगा कि ये वापस देगा अपने इलेक्ट्रॉन और ओ ई टी यहाँ से बाहर चला जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे बाइंड है, राइट। और यहाँ पे ग्रुप भी लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा है, ये वाला CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ये, राइट। और इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी लगाते हैं इसको CH2 CO ओ ई, राइट। तो हमें ये मिल गया है ग्रुप। और क्या होगा, फिर से हमारा एक जो बेस लिया है हमने स्टार्टिंग में, जो बेस लिया है ये वाला, ये फिर से आएगा और फिर से एक एसिडिक प्रोटोन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहाँ से करेगा, यहाँ पे फिर से एक कार्बोनिल ग्रुप लगाए, तो जो इसकी बगल में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो जो हमारा बेस आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हमारा जो एसिडिक प्रोटोन है ये यहाँ पे, तो बेस क्या करेगा, उस एसिडिक प्रोटोन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हमें क्या मिलेगा, फिर से एक एनायन मिलेगा, इनोलेट फिर से मिल जाएगा। हियर इज ऑक्सीजन दिस वन, यहाँ पे देख सकते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा किस फॉर्म में, एच पॉजिटिव ही फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एच नेगेटिव बच जाएगा, तो हियर इज सी एच नेगेटिव एंड सी डबल बॉन्ड ओ दिस वन, राइट। अब क्या होगा, ये एनायन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, राइट। और हमें क्या मिलेगा, ये फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस वन, राइट। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, जैसे यहाँ से ओपन होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमें क्या मिलने वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा क्या, वर्कअप स्टेप। और वर्कअप स्टेप स्टेप से क्या होगा कि एक प्रोटोन यहाँ पे आके लग जाएगा और ये किसे बदल जाएगा, सी ओ ओ एच में। और हमें क्या मिलेगा, हियर इज सी ओ ओ एच, राइट। एंड हियर इज सी एच सी ओ ओ दिस वन, राइट। सो इट इज़ अवर मेजर प्रोडक्ट, इट इज़ अवर मेजर प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको इस फिनाइल ग्रुप को पी एच लिख देता हूँ, और इसको एल्किन को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग है, जिससे क्या अटैच है, सी ओ एच, और यहाँ पे क्या है, एल्किन, ये वाली एल्किन, मैंने इसको ऐसे रीअरेंज कर दिए। और इस एल्किन से क्या लगाएं, एक साइड एच लगाएं और एक साइड क्या लगाएं, हमारा सी सॉरी सी एच सी ओ ओ ये लगा हुआ है, राइट। और हमारा एक क्या लगा यहाँ पे, पी एच। तो मैंने क्या किया, उस पी एच को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, राइट। सो इट इज़ अवर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे एक एल्किन बनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ग्रुप ऐसे लग गया है, राइट। तो हम क्या अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं,
कि COH ग्रुप हमारी रिंग के ऊपर आया था, और यहाँ पे एक एल्कीन है जो भी हमने बनाया, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बना, देख सकते हैं इसको आप लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, एल्कीन है, यहाँ पे COH ग्रुप लगाया और ये ग्रुप ऐसे लगा, एट लीस्ट राइट, ये एल्कीन भी यहाँ पे बनी है। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं एल्कीन बनी है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगाए और इसने इसको ऐसे रीअरेंज करके लिखा हुआ है राइट, और ऐसी कोई रिंग हमारी बनी नहीं है, तो दिस ऑप्शन आर रॉन्ग राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, गुड लक।